दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल के मैच नंबर 22वां जो कि ये मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता के बीच। और गाइस देखो ये जो मुकाबला है ना भाई, इस मुकाबला में आप बिल्कुल भी तुक्के में टीम मत क्रिएट करना। अगर तुक्के में टीम क्रिएट करोगे तो भाई मैं आपको सबसे पहले ही बोल देता हूं कि आप लोग बार बार लॉस में जाओगे। अब देखो अधिकतर लोग आप लोग का यही होता है कि भाई अधिकतर लोग लॉस में जाता, यानी अधिकतर लोग लॉस में जाने का रीजन क्या होता कि भाई इसका यही एक रीजन होता कि भाई तुक्के में टीम को क्रिएट करते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप करना है, एक एक करके मैं आपको पूरी बारीकी से बताने वाला हूं। और भाई सोच रहे हो आप जीतना, आप सोच रहे हो विन करना, तो ये वीडियो आपके लिए। अब देखो सभी भाई सोच रहे मुझे जीतना, मुझे भी यहां पर से लाखों विन करना है, तो वीडियो को पूरा ही देख करके जाएंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक प्लेयर्स के बारे में बता दूंगा कि कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में होना चाहिए, कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम से ड्रॉप करना चाहिए, कैप्टन किसे बना करके चलना, वाइस कैप्टन किसे बना करके चलना, एक एक जानकारी मैं आपको पूरी बारीकी से देने वाला हूं। तो भाई वीडियो को पूरा ही देख करके जाना क्योंकि जो भाई वीडियो को पूरा देखता अभी तक के आईपीएल का जो भी मुकाबला गया, यानी आईपीएल का अभी तक के 21 मुकाबला गया और सभी मुकाबला में सभी लोग काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए, काफी अच्छा खासा लाखों विन करके गया। तो आप भी सोच रहे हो लाखों रुपया जीतना है इस मुकाबला में, लाखों रुपया को विन करना, तो ये वीडियो को पूरा देख लेना। देखो आईपीएल का मैच नंबर 22वां चेन्नई और साथ में कोलकाता के बीच 8 अप्रैल को एम चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक में ये मुकाबला को खेला जाएगा। साथ में देखो जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो भाई सबसे पहले क्या कर दो कि दबा के एक लाइक कर दो क्योंकि आपका प्यार और समर्थन मिलते रहता तो काफी अच्छा खासा लगता, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से ये होता है कि मेरा जो फाइनल टीम यानी बने बनाया हुआ जो टीम मिलता है टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि अभी टॉस नहीं हुआ, जैसे ही टॉस हो जाता है तो टॉस होने के बाद मैं अपना फाइनल टीम बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। साथ में जो लाइव पीस रिपोर्ट आता और साथ में दोनों टीम के बीच जो प्लेइंग 11 टीम में बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन करूंगा। तो इसलिए बोले कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, सिर्फ आपके फोन में टेलीग्राम होना काफी ज्यादा अनिवार्य है। टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक आपको दो जगह पर मिल जाएगा। ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का बॉक्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाओगे तो ऊपर में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो सिंपली आपको क्या कर देना कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाओगे तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप पर पिन कर दिया जहां से आप बड़े आसानी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद नीचे में ज्वाइन का बटन मिलेगा तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ में भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो जिससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचेगा। अब देखो मैं आपको पीस रिपोर्ट पूरी बारीकी से बताने वाला हूं क्योंकि भाई पीस रिपोर्ट आपको पता हो जाता तो खुद से आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते कि कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, कौन कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में ले करके चलना। देखो यहां पर से इस वेन्यू पर यानी एम चिदंबरम स्टेडियम पर देखते चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब देखो इस वेन्यू पर टोटल T20 का मुकाबला खेला गया, 132 मुकाबला खेला गया जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाले टीम ने 70 मैच को विन किया, वही बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाले टीम ने 60 मैच को विन किया। स्कोरिंग पैटर्न्स की बात कर ले तो 150 रन का स्कोरिंग 40 बार बना है, 150 और 169 के बीच में स्कोरिंग देखते 40 बार है, 150 का स्कोरिंग 50 बार और 150 और 169 के बीच में 40 बार स्कोरिंग हुआ है, 170 और 189 के बीच में 22 बार स्कोरिंग है। अब 190 के ऊपर आ जाते तो 20 बार स्कोरिंग बना है। एवरेज स्कोर की बात कर ले तो एवरेज स्कोर 159 का एवरेज स्कोर है। अब देखो इस वैन पर जो आपको स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा वह आपको 190 के ऊपर ही आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा यह चांसेस रहेगा। हाईएस्ट स्कोर की बात कर ले तो इस वैन पर हाईएस्ट स्कोर 264 का, लोएस्ट स्कोर 70 का। इस वैन पर पिछले 10 मैच में बात कर ले तो पिछले 10 मैच में पेसर्स बॉलर्स को 65% विकेट मिला और साथ में यहां पर से स्पिनर्स बॉलर्स को 42% विकेट मिला, यानी पिछले 10 मैच में 42 विकेट जो निकाल करके गया वह स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके गया। पेसर्स बॉलर्स की बात करूंगा पिछले 10 मैच में तो 77 विकेट पेसर्स बॉलर्स को मिला। अब देखो रीसेंट जो मुकाबला खेला गया सेम इसी वेन्यू पर, अब
पेसर्स जो मुकाबला खेला गया, इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कितना पेसर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जाने वाला, कितना स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जाने वाला, साथ में स्कोरिंग आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखो चेन्नई में मुकाबला खेला जा रहा है, पिछला मुकाबला में देखते तो चेन्नई टीम सेमीसी वेन्यू पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन का स्कोरिंग किया। अब देखोगे यहां पर से जीटी टीम का स्कोरिंग 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन का स्कोरिंग है। फर्स्ट और सेकंड इनिंग मिलाकर के दोनों में देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड इनिंग मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स को 10 विकेट मिला, स्पिनर्स बॉलर्स को 3 विकेट मिला। फिर यहां पर से आरसीबी टीम का स्कोरिंग 20 ओवर में 173 रन का, सीएसके टीम ने चेस करते हुए 176 रन बना करके यह मैच को विन किया। फर्स्ट और सेकंड इनिंग में भी यहां पर पेसर्स बॉलर्स को 8 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को ओनली 1 विकेट मिला। फिर एमआई टीम का स्कोरिंग 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन, एलएससी टीम देखते तो 101 रन का स्कोरिंग किया। अब यहां पर पूरा 10 विकेट गिरा, पेसर्स बॉलर्स को फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के कुल जो विकेट मिला 14 विकेट पेसर्स बॉलर्स को, स्पिनर्स बॉलर्स को 1 विकेट मिला। फिर सीएसके और साथ में जीटी के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें सीएसके टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन का स्कोरिंग किया। अब देखो जीटी टीम चेस करते हुए 175 रन का स्कोरिंग किया। फर्स्ट और सेकंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 10 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 6 विकेट मिला। अब देखो रिसर्च जो मुकाबला खेला गया इसमें यहां पर से तीन ये मुकाबला में देखते हो, ये भी मुकाबला में देख लो तो काफी ज्यादा जो फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के जो पेसर्स बॉलर्स को विकेट मिला अप्रोक्स 10 विकेट जो निकाल करके जाता वह पेसर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जाता। एक मुकाबला में यहां पर 14 जो विकेट मिला वह पेसर्स बॉलर्स को मिला। तो भाई पिच जो होने वाला वह बैटिंग पिच के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि पेसर्स बॉलर्स बड़े आसानी तरीका से विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। दोनों टीम के बीच ए टू एट में मुकाबला खेला गया। अब देखो दोनों टीम के बीच 10 मुकाबला खेला गया जिसमें तीन मुकाबला केकेआर टीम ने विन किया। सीएसके टीम की बात कर ले तो सीएसके टीम 7 मुकाबला को विन किया। तो यहीं पर से समझ लेना कि भाई ये जो मुकाबला होने वाला वो जैकपॉट मुकाबला होने वाला। अब देखो केकेआर टीम पिछला कंटिन्यू 3 मुकाबला विन करते हुए आ रहा है, वही यहां पर से सीएसके टीम की बात कर ले तो पिछला 2 मुकाबला कंटिन्यू लॉस्ट करते हुए आ रहा। अब यहां पर से हम लोग देखेंगे सबसे पहले चेन्नई की तरफ से क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला, सीएसके की तरफ से क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। प्लेइंग 11 टीम की बात करोगे सीएसके की तरफ से तो गायकवाड और साथ में रचिन रविंद्र, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएगा। फिर अजिंक्य रहाणे, डैरी मिचेल, शिवम दुबे जो कि इंपैक्ट के रूप में बात कर सकते हो, और साथ में यहां पर से इंपैक्ट एक खिलाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा कि इंपैक्ट में कौन सा खिलाड़ी आ सकता है। अब देखो यहां पर से बात करते हैं इंपैक्ट में तो यहां पर से एम चौधरी भी आ जाते हैं जो कि इंपैक्ट के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का टीम यूज करता है। अब देखो यहां पर से इंपैक्ट के रूप में आप बोल सकते हो यहां पर से शिवम दुबे को भी रखा जाता। अब यहां पर से रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चहर, साथ में यहां पर से एम चौधरी, तीक्ष्णा, उसके बाद तुषार देशपांडे, पथी राणा, जो कि इस प्रकार से चेन्नई की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अगर ये प्लेइंग 11 टीम में एकाध बदलाव आता है, एकाध चेंजेस आता है तो मैं आपको इंफॉर्मेशन टॉस होने के बाद मैं आपको परफेक्ट प्लेइंग 11 टीम टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, तो इसलिए बोले कि टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर देना। अब देखेंगे कि स्टार्टिंग के ओवर में और डेथ के ओवर में कौन कौन सा बॉलर्स बॉलिंग करते हुए दिखेगा। स्टार्टिंग के ओवर में बात करोगे तो स्टार्टिंग के ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे यहां पर से सबसे पहले दीपक चहर और साथ में तीक्ष्णा, ये दोनों खिलाड़ी स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। फिर यहां पर से एम चौधरी, मुकेश चौधरी। डेथ ओवर में बात कर ले तो डेथ ओवर में दीपक चहर, तुषार देशपांडे, पथी राणा। अब पथी राणा और साथ में दीपक चहर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई ये दोनों खिलाड़ी में से कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि इस बैनू पर ये दोनों खिलाड़ी कितना विकेट निकाल सकता, मैं आपको एक एक करके पूरी बारीकी से बताने वाला हूं। अब देखेंगे चेन्नई की तरफ से एक प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट होगा, कौन कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है। सबसे पहले मैं यहां पर से बात करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। अब देखो बैटिंग स्टाइल की बात कर ले तो इनका बैटिंग स्टाइल लाइट हैंड बैटिंग स्टाइल है। आईपीएल में 55 मुकाबला 1885 रन, 39 का एवरेज रहता है। हेड टू हेड में 7 मैच में 260 रन, 37 का एवरेज। बैनू पर 10 मैच में 329 रन और साथ में 36 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देख रहे तो ऋतुराज गायकवाड़ का रिसेंट फॉर्म कुछ उस प्रकार का नहीं चला, पिछले मैच में भी 26 रन पर विकेट फेंकते हुए दिख रहे, इधर 146 15 और साथ में 25 रन बनाते हुए दिख रहे। अब देखो चांसेस रहेगा कि भाई कप्तान के तौर पर इनको यहां पर से सीएसके में चयन किया गया तो इस मैच में भाई यही सोचेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की अपने लिए और साथ में अपने टीम के लिए कुछ बड़ा स्कोरिंग किया जाए, तो चांसेस रहेगा कि ये दोनों खिलाड़ी में से तो कोई एक खिलाड़ी फिक्स ही रहेगा कि बड़ा स्कोरिंग करते हुए दिख जाएगा। लेकिन काफी ज्यादा चांसेस की बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर जा सकते हो, कम से कम तो 50 प्लस रन का स्कोरिंग करते हुए दिख जाएगा, क्योंकि बैनू पर बात करें तो बैनू पर भी 37 का एवरेज है और साथ में हेड टू हेड में भी काफी अच्छा खासा एवरेज से रन बनाते हैं। हेड टू हेड में 37 का और बैनू पर 36 का एवरेज रहता,
तो टीम में लेकर के जा सकते हो। रसिन रविंद्रा आईपीएल में 4 मैच में 97 रन 24 का एवरेज है, हेड टू हेड में एक भी मैच नहीं, बैन पर 2 मैच में 83 रन 41 का एवरेज, रीसन फॉर्म में 12-2 46 37 और 7 में 2 रन बनाते हुए दिख रहे। अब मैं आपको बता दिया हूं रीसन फॉर्म क्या, हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड है दोनों खिलाड़ी के बारे में, तो आप अपने से भी डिसाइड करके जा सकते हो कि भाई कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना है। अगले प्लेयर्स की बात कर लूं तो अगला प्लेयर्स अजिंक्य रहाणे, इनका बैटिंग स्टाइल लाइट हैंड बैटिंग स्टाइल रहता है, आईपीएल में 163 मैच में 4519 रन 32 का एवरेज, हेड टू हेड में 22 मैच में 565 रन 29 का एवरेज, बैन ऊपर 13 मैच में 212 रन 16 का एवरेज रहता, रीसेंट फॉर्म में 35 45 12 27 13 रन बनाते हुए दिख रहे। पिछले दोनों मैच में देखते ठीक ठाक स्कोरिंग है तो टीम में तो नहीं करके चलना। डैरी मिशेल अब इनका देख ले, राइट हैंड बैटिंग स्टार लाइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 6 मैच में 126 रन और 25 का एवरेज रहता है, हेड टू हेड में एक भी मैच नहीं, बैन पर 2 मैच 46 रन 46 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म में 13 34 24 22 और 7 में 57 रन का स्कोरिंग करते हुए देख रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा यहां पर से शिवम दुबे के बारे में, बैटिंग लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, अब फिक्स ही रहेगा कि इनको बैटिंग का मौका तो भाई इस मैच में आने वाला है, बैटिंग करते हुए तो आपको दिख ही जाएंगे क्लियरली, मैं आपको बता देता हूं तो 40 प्लस रन का स्कोरिंग करते हुए दिख ही जाएंगे। अब देखो 40 प्लस रन का स्कोरिंग मैं अपना जो ओपिनियन दे रहा हूं भाई, मैं आपको बता देता हूं किसके अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन देकर के आपको बताता हूं। सबसे पहले हेड टू हेड में 5 मैच में 141 रन, एवरेज 35 का एवरेज है, बैन ऊपर भी देख लो 10 मैच में 250 रन 35 का एवरेज है, काफी अच्छा खासा एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोला हूं कि 40 प्लस रन का तो स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे। रीसेंट फॉर्म काफी ठीक ठाक चल रहा है, पिछले मैच में 45 18 51 34 और 7 में 48 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनका बॉलिंग स्टाइल है, आईपीएल में 101 मुकाबला 153 विकेट, हेड टू हेड में 28 मैच में 21 विकेट, बैन ऊपर 39 मैच में 30 विकेट, रीसेंट फॉर्म कुछ खास प्रकार का नहीं, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 25 रन 0 विकेट, फिर यहां पर से 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब मैं अगले प्लेयर्स की बात कर लूं तो एमएस धोनी आ जाते हैं, राइट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 219 मैच में 5119 रन 40 का एवरेज रहता, हेड टू हेड में 29 मैच में 613 रन 51 का एवरेज है, बैन ऊपर 59 मैच में 1490 रन 7 में यहां पर से 41 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अब देखो मेगा ग्रैंडली का टीम क्रिएट करते हो, मेगा ग्रैंडली का टीम बनाते हो ना तो भाई ये खिलाड़ी इंपोर्टेंट पिक हो जाएगा। और देखो देखा जाए तो कोलकाता टीम क्या है भाई, कोलकाता टीम काफी अच्छा खासा रीसेंट में बात करूं तो कंटिन्यू मैच विन करते हुए आ रहा, सभी प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा खासा चल रहा, इस कंडीशन में यही रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज काफी ज्यादा जल्द ही अपना विकेट फेंक के जाएगा। अब एमएस धोनी को बैटिंग का मौका काफी ज्यादा ऊपर ही आने वाला तो टीम में ले लेना, क्योंकि हेड टू हेड में 51 का एवरेज रहता है, कोलकाता के सामने बात करोगे केकेआर के सामने तो भाई केकेआर के सामने 51 का एवरेज है, बैन पर भी 41 का एवरेज है, मतलब केकेआर के सामने एक मैच खेलते तो एक मैच में 50 प्लस रन का स्कोरिंग करते हुए दिख जाते हैं। फिर मैं बात करूंगा दीपक चहर के बारे में, राइट आर्म मीडियम इनका बॉलिंग स्टाइल रहता है, आईपीएल में 77 मैच में 76 विकेट, हेड टू हेड में 9 मैच में यहां पर से 11 विकेट है, बैन ऊपर 16 मैच में 22 विकेट, रीसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और साथ में 0 विकेट निकाले, टीम में पिक कर देना क्योंकि स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में डेथ के ओवर में ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अब देखो जब भी स्टार्टिंग के ओवर में और डेथ के ओवर में बॉलिंग करता है, खास करके एम चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में ये मुकाबला खेला जा रहा, इनका होम ग्राउंड जैसे आप बोल सकते हो, तो भाई काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, उसी एक्सपीरियंस के साथ उसी अनुभव के साथ करते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखो सेम इसी बैन पर 2 विकेट निकाले थे, इसलिए मैं आपको बोला हूं कि इस मैच में भी 2 विकेट बड़े आसानी तरीके से निकालते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि हेड टू हेड में भी 9 मैच में 11 विकेट, बैन पर भी 16 मैच में 22 विकेट निकाले तो टीम में लेकर के चलना। अगले प्लेयर्स की मैं बात कर लूं तो अगला प्लेयर्स मुकेश चौधरी, लेफ्ट आर्म मीडियम इनका बॉलिंग स्टाइल रहता है, आईपीएल में 14 मैच में 16 विकेट, हेड टू हेड में 1 भी मैच नहीं, बैन पर 1 भी नहीं, रीसेंट फॉर्म में 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट और फिर यहां पर से 2 विकेट निकाले। अब मैं बात करूंगा यहां पर से तीक्ष्णा के बारे में, राइट आर्म ऑफ ब्रेक इनका बॉलिंग स्टाइल है, 24 मैच में 24 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच 2 विकेट, बैन पर 8 मैच में 3 विकेट, बैन पर देखते हैं तो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, रीसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट फिर यहां पर से 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अगले प्लेयर्स की बात कर लूं तो अगला प्लेयर्स आ जाते हैं तुषार देशपांडे, तुषार देशपांडे के अकॉर्डिंग देखते हैं, राइट आर्म मीडियम इनका बॉलिंग स्टाइल है, आईपीएल में 27 मैच में 27 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैच में 2 विकेट, बैन पर इनके पास एक्सपीरियंस है, सेम इसी बैन पर 2 विकेट निकाले, इधर देखते तो 2 मैच में 0 विकेट 0 विकेट निकालते
करते हुए दिख रहे, इधर भी जीरो विकेट और साथ में एक विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म की बात करूंगे तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है, तो टीम में तो पिक कर लेना, चांसेस रहेगा ये दो विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। देखो यहाँ पर से मैक्सिमम विकेट की मैं आपको बता देता हूँ, तो दो विकेट चांसेस निकालते हुए दिखेंगे। चाहे तो टीम में ट्राई करना तो टीम में ट्राई करके जा सकते हो। पथिराना के अगेंस्ट आ जाते हैं, इंपोर्टेंट पिक हो जाएगा। अब देखो पथिराना को तो टीम में लेकर के चलना है। आईपीएल में 16 मैच में 25 विकेट, हेट विट में 2 मैच में 1 विकेट है, बैन पर देख रहे थे 7 मैच में 11 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे, कंटिन्यू विकेट निकाले। वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो, इंपोर्टेंट पिक रहने वाला। अब देख लेते हैं यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले सीएसके की तरफ से बेंच प्लेयर में तो शार्दुल ठाकुर, फिर यहाँ पर से देखते तो सिमरजीत सिंह आ जाते हैं, मोइन अली बेंच प्लेयर में। अब देखो इंपैक्ट प्लेयर में चांसेस रहेगा मोइन अली, पिछले मैच में आप लोगों को पता होगा भाई यहाँ पर से मोइन अली 2 विकेट निकाले। अब इनके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन कर दूंगा कि मोइन अली को टीम में लेना या फिर अपने टीम से ड्रॉप करके चलना। वैसे मैं आपको बैन ऊपर बता दिया हूं, काफी ज्यादा जो विकेट निकालते हो आप लोग को दिख जाएगा वह पेसर्स बॉलर्स दिख जाएगा। तो अधिकतर जब भी आप अपने टीम में खिलाड़ियों को लेकर के चलना बॉलिंग से, तो कोशिश करना कि पेसर्स बॉलर्स को ही अपने टीम में लेकर के चलेंगे। अब मोइन अली का सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत सारा लोग अपने टीम में लेकर के चले, क्योंकि पिछले मैच में 2 विकेट निकाले, लेकिन 2 विकेट निकाले वो बैनू क्या था भाई, अलग बैनू था और ये अलग बैनू पर मुकाबला खेला जा रहा है। तो मेगा ग्राइंडिंग में सबसे अलग और सबसे यूनिक टीम क्रिएट करना चाहते हो तो एक दो खिलाड़ी हर हमेशा सबसे अलग और सबसे यूनिक लेकर के चलना होता। अब देखेंगे यहाँ पर से कोलकाता की तरफ से प्लेइंग 11 टीम इस मैच में क्या रहने वाला है। कोलकाता की तरफ से प्लेइंग 11 टीम की बात कर ले तो यहाँ पर से फिल सॉल्ट और साथ में सुनील नारायण, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएगा। श्रेयस अय्यर, फिर यहाँ पर से देखते अगला प्लेयर्स रघुवंशी आ जाते हैं, फिर यहाँ पर से आंद्रे रसल, उसके बाद यहाँ पर से रिंकू सिंह, बैन कैटेन सैयद, साथ में यहाँ पर से आर सिंह हो गए, मिशेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और साथ में वी अरोरा जो कि कुछ इस प्रकार से कोलकाता की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। अब कोलकाता की तरफ से देखेंगे कि स्टार्टिंग के ओवर में और डेथ के ओवर में कौन कौन सा बॉलर्स बॉलिंग करते हुए दिखा जाएगा। स्टार्टिंग ओवर में बात करोगे तो स्टार्टिंग के ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए यहाँ पर दिखा जाएगा सबसे पहले हर्षित राणा और साथ में यहाँ पर से वी अरोरा और साथ में मिशेल स्टार्क, ये तीन खिलाड़ी स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करेगा। डेथ के ओवर में बात कर ले तो हर्षित राणा, आंद्रे रसल और मिशेल स्टार्क, ये तीन बॉलर्स आपको डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। आंद्रे रसल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस मैच में आंद्रे रसल को कैप्टन बनाना या वाइस कैप्टन बना करके चलना या सिर्फ आपको अपने टीम में लेकर के चलना। अब चलो सबसे पहले देखते हैं कोलकाता की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट होगा, कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है, कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम से ड्रॉप करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर से बात करूंगा फिल सेल्ट के बारे में, बैटिंग स्टाइल की बात कर लू तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल रहता है। आईपीएल में 12 मैच में 320 रन 29 का एवरेज है, हेट वर्ड में 2 मैच में 20 रन और साथ में 20 का एवरेज रहता। अब देखो दोनों मैच में फ्लॉप जाते हुए दिख रहे हैं। बैनू पर बात कर लो तो एक मैच में 17 रन 17 का एवरेज है, बैनू पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। रिसेंट फॉर्म कुछ उस प्रकार का नहीं चला, रिसेंट फॉर्म में 18-30 54-30 फिर यहां पर से 26 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। सुनील नारायण की बात कर लू तो लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। आईपीएल में 164 मैच में 1180 रन 16 का एवरेज है, साथ में यहां पर से 166 विकेट निकाले। हेट वेट में देखते हैं तो 22 मैच में 96 रन 9 का एवरेज है और साथ में 26 विकेट निकाले। अब सुनील नारायण को अधिकतर लोग सोचेंगे कि भाई कैप्टन या वाइस कैप्टन बना कर के चलना, लेकिन कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन बनाने से पहले भाई इनके बारे में रिकॉर्ड जान लो। बैन ऊपर देखोगे तो 9 मैच में 19 रन 9 का एवरेज है, साथ में 13 विकेट निकाल रहे हैं। रिसेंट फॉर्म में 85 रन 1 विकेट 47 रन 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और साथ में 1 विकेट निकाले। आपको लगता है इस मैच में ये खिलाड़ी चलेगा, रिसेंट फॉर्म में आपको बता दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो, आप अपने ऊपर भी ले करके जा सकते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन। लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से पहले भाई मैं आपको बता देता हूं कि इनका रिसेंट फॉर्म क्या। देखो यहाँ पर से 9 मैच में मैं आपको बोल दिया हूँ 19 रन और 9 का एवरेज है, 13 विकेट है, विकेट ठीक ठाक निकाल है। हेट वेट में सीएसके के सामने 22 मैच में 96 रन ओनली 9 का एवरेज है और साथ में 26 विकेट निकाले। तो आपको क्या लगता है, आपको सिर्फ अपनी टीम में लेकर के चलना या आप सोच रहे हो कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करके जा सकते हो। फिर यहाँ पर से बात करेंगे श्रेयस अय्यर के बारे में, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, आईपीएल में 103 मैच में 28-33 रन 31 का एवरेज है, हेट वेट में 12 मैच में 256 रन 25 का एवरेज, बैन ऊपर 2 मैच में 51 रन 25 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म में 18-39-0-34 और साथ में 73 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अब यहां पर से बात करेंगे रघुवंशी का, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है,
दो मैच में 54 रन 54 का एवरेज, हेट वेट में एक भी मैच नहीं, बैन ऊपर देखते एक भी मैच नहीं, पिछले मैच में 54 12 16 और साथ में यहाँ पर से 0 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगले प्लेयर्स के बारे में जान ले तो आंद्रे रसल, इनका बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। आईपीएल में 101 मैच में 23 से 67 रन 31 का एवरेज है और साथ में 101 विकेट है। हेट टू हेट में 14 मैच में 371 रन 46 का एवरेज 9 विकेट। बैन ऊपर आ जाओ तो बैन ऊपर 6 मैच में 205 रन 51 का एवरेज है और साथ में 8 विकेट है। भाई सब देखा जाए बैनू हो और साथ में हेट वुड हो, दोनों में काफी अच्छा खासा रन बनाते हैं और विकेट भी निकालते हैं, तो फिक्स रहेगा कि आप अपनी टीम में काफी ज्यादा सेफ जाना चाहते हो तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो, क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी कुछ उसी प्रकार का चला। रिसेंट फॉर्म में देख लो 41 रन 1 विकेट 2 विकेट 64 रन 2 विकेट 27 रन 0 विकेट साथ में यहाँ पर से 2 विकेट कंटिन्यू विकेट निकाले और कंटिन्यू रन बना रहे। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या हो जाता है कि डेथ ओवर में ये बॉलिंग करते तो भाई समझ लेना कि डेथ ओवर में 1 से 2 विकेट तो मिलना फिक्स ही रहता है, 1 से 2 विकेट बड़े आसानी तरीका से निकालते हुए दिख जाएंगे। अब मैं बात करूंगा रिंकू सिंह के बारे में, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 32 मैच में 779 रन 34 का एवरेज रहता है, हेट वेट में 5 मैच में 136 रन 34 का एवरेज है, बैन पर 2 मैच में 56 रन 28 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म में 26 5 23 77 और साथ में 3 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अगले प्लेयर्स के बारे में जान लें, वेंकटेश अय्यर, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 39 मैच में 10 18 रन 28 का एवरेज, हेट वेट में 5 मैच में 113 रन 22 का एवरेज, बैन पर 1 मैच में 9 रन 9 का एवरेज रहता, रिसेंट फॉर्म में 5 50 7 17 और 29 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। रमनदीप सिंह, राइट हैंड बैटिंग स्टार, आईपीएल में 6 मैच में 82 रन 20 का एवरेज, हेट वेट में 1 भी मैच नहीं खेले, बैन पर भी 1 भी मैच नहीं, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 35 रन 0 विकेट और साथ में 19 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर से मिचेल स्टार्क के बारे में, आईपीएल में 29 मैच में 36 विकेट, हेट वेट में 7 मैच में 10 विकेट, सीएसके के सामने काफी अच्छा खासा विकेट निकाले, बैन ऊपर भी इनके पास काफी अच्छा खासा अनुभव है, 5 मैच में 7 विकेट, वैसे भी बैन ऊपर पेसर्स बॉलर्स को विकेट मिलता। अब देखो मिचेल स्टार्क के स्टार्टिंग के ओवर में और डेथ के ओवर में बॉलिंग करते तो 2 विकेट तो फिक्स ही रहेगा कि आपको बड़े आसानी तरीके से निकालते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और साथ में 1 विकेट निकाले। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर से अगला प्लेयर्स आ जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती, एलबी लेग ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है, आईपीएल में 59 मैच में 66 विकेट, हेट वेट में 8 मैच में 9 विकेट, बैन पर 5 मैच में 7 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट निकाले। अब देखो क्वालिटी क्या स्पिनर्स बॉलर्स है, तो क्वालिटी क्या स्पिनर्स बॉलर्स को 1 से 2 विकेट मिलना तो फिक्स ही रहता, चाहे तो टीम में ट्राई करना तो टीम में ले करके जा सकते हो। अगले प्लेयर्स के बारे में जानू थे हर्षित राणा, राइट आर्म फास्ट इनका बॉलिंग स्टाइल रहा था, आईपीएल में 11 मैच में 11 विकेट है, हेट वेट में देख ले तो 1 मैच में 0 विकेट, बैन पर 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 3 विकेट, फिर यहाँ पर 0 विकेट और 0 विकेट निकाले। पेसर्स बॉलर से काफी अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं तो टीम में तो पिक करके चलना ही। अब मैं बात करूंगा यहां पर से अगला प्लेयर्स के बारे में आ जाते हैं, तो वैभव अरोरा, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टार, 11 मैच में 11 विकेट, हेट वेट में 2 मैच में 3 विकेट, बैन ऊपर 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट और साथ में 0 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी चेंजेस होगा मैं आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर करूंगा। अब बात कर लेते हैं इस मैच के लिए की प्लेयर्स का, देखो अपने टीम में की प्लेयर्स कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है। की प्लेयर्स में सबसे पहले यहाँ पर से रचिन रविंद्रा, फिर रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, इस मैच के लिए की प्लेयर्स रहने वाला। कैप्टन और वाइस कैप्टन की सेफ ऑप्शन में देखते हैं तो सुनील नारायण को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो, रचिन रविंद्रा को भी बना करके जा सकते हो, साथ में आंद्रे रसल को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक करके जा सकते हो। ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स में तीक्ष्णा और साथ में यहाँ पर से वैभव अरोड़ा और साथ में हर्षित राणा, ये 3 खिलाड़ी मैं आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स बताया हूं। अब चलो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स देख लिया, अब प्लेयर्स बैटल देखते कि कौन सा बैटर्स कौन सा बॉलर्स के सामने अपना विकेट फेंकते हुए दिखता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर से ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, वरुण चक्रवर्ती के सामने 17 ओवर 27 रन 2 बार विकेट फेंके, फिर यहाँ पर से देखते हैं तो एस शर्मा के सामने 1 ओवर 0 रन 1 बार विकेट, आंद्रे रसल के सामने 6 बॉल 17 रन 1 बार विकेट है, MS धोनी की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर से वरुण चक्रवर्ती के सामने 16 ओवर 10 रन 3 बार विकेट फेंके, फिर यहाँ पर से देखते हैं तो सगरिया के सामने 6 बॉल और 8 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंके। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर से अजिंक्य रहाणे के बारे में, इनके अकॉर्डिंग आ जाए तो यहाँ पर से देखते हैं
सुनील नारायण के सामने बात कर लेते हैं तो 9 बॉल 7 रन 1 बार विकेट, वरुण चक्रवर्ती के सामने 10 बॉल 21 रन 1 बार विकेट है। रविंद्र जडेजा का देख लेता हूं तो वैभव अरोड़ा के सामने 4 बॉल 2 रन 1 बार विकेट, सुनील नारायण के सामने 19 बॉल 13 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा फिल सेल्ट के बारे में। अब देखो दीपक चार के सामने फिल सेल्ट ने 2 बार विकेट फेंके, 9 बॉल खेले 7 रन 2 बार विकेट है। तीक्षणा के सामने 32 बॉल खेले 51 रन 1 बार विकेट। श्रेयस अय्यर का देख लेता हूं तो मोइन अली के सामने 7 बॉल 10 रन 1 बार विकेट। रविंद्र जडेजा के सामने 27 बॉल 16 रन 1 बार विकेट है। मिशेल सेरनर के सामने 40 बॉल 43 रन 1 बार विकेट। वेंकटेश अय्यर के बारे में जान लेते हैं। शार्दुल ठाकुर के सामने 12 बॉल 25 रन 2 बार विकेट। मोइन अली के सामने 1 बॉल 0 रन 1 बार विकेट। डैरी मिशेल के सामने 2 बॉल 4 रन 1 बार विकेट है। आंद्रे रसल के अगेंस्ट आ जाते हैं। शार्दुल ठाकुर के सामने 12 बॉल 27 रन 3 बार विकेट। पथी राणा के सामने 3 बॉल 1 रन 1 बार विकेट। फिर यहाँ पर से देखते हैं तो एम रहमान के सामने 13 बॉल 14 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। अब फाइनली मैं अपना टीम का कॉम्बिनेशन देख लेता हूं कि मैंने अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया, मैंने अपनी टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी को लिया हूं। तो सबसे पहले विकेट कीपर में फिल सेल्ट को पिक किया हूं। बैटिंग से देखते हैं तो बैटिंग से ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा और लॉन्डर्स में सुनील नारायण, आंद्रे रसल और साथ में रविंद्र जडेजा को पिक किया हूं। बॉलिंग में आ जाते हैं तो मिशेल स्टार्क और साथ में दीपक सर, वरुण चक्रवर्ती को अपने टीम में लेकर के चला। कैप्टन की बात करोगे तो देखो इस मैच में मैं कैप्टन जो अभी बनाया हूं सुनील नारायण को कैप्टन और वाइस कैप्टन आंद्रे रसल को बनाया। अब देखो सुनील नारायण को हो सकता है कैप्टन या वाइस कैप्टन में ड्रॉप करके चल सकता हूं, अभी टॉस नहीं हुआ। अब टॉस होने के बाद फाइनल जो मैं आपको टीम प्रोवाइड करूंगा तो फाइनल टीम में मैं आपको बताऊंगा कि सुनील नारायण को सिर्फ आपको टीम में लेकर के चलना है या फिर अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके चलना। वैसे मैं आपको बता देता हूं कैप्टन और वाइस कैप्टन को पर आप जाना चाहते हो तो देखो आप कैप्टन या वाइस कैप्टन चाहते हो तो वाइस कैप्टन में अभी यहां पर से आंद्रे रसेल को पिक किया हूं। कैप्टन का सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप अपनी टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को भी कैप्टन बना करके जा सकते हो, ये भी सेफ रहेंगे क्योंकि मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूं। विकेट कीपर से फिल सेल को लिया हूं और विकेट कीपर से आप 2 खिलाड़ी करना चाहते हो, एमएस धोनी को भी पिक करना चाहते हो तो एमएस धोनी को भी लेकर के जा सकते हो क्योंकि हेड वेट में 51 का एवरेज बताया था और बैन ऊपर मैं आपको 50 का एवरेज एमएस धोनी के बारे में बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूं कि एमएस धोनी को भी आप अपने टीम में लेकर के जा सकते हो। अब इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक बता दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगा होगा तो दबा के लाइक कर देना और भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओपन रखना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो जिससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।